वीकेंड कब आया कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बताया कि उन्होंने किस तरह से कर्जा चुकाया है पारस का, वहीं कैसे पारस ने भी जो है आखिरकार मना कर दिया कि नहीं चाहिए इम्यूनिटी, नहीं है मुझे जरूरत इम्यूनिटी की। तो आखिर कौन बना सबसे महान, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपने आज का शो देखा होगा तो सलमान खान ने बोला कि आप तीन लोग नॉमिनेट हैं, शहनाज, मायरा और आरती, और चौथा भी था पारस, लेकिन उसको जो है सिद्धार्थ ने ताला खोलकर बचा लिया। और उन्होंने बोला कि पारस आप वाकई में बचे हैं, हाँ पारस आप वाकई में बचे हैं, तो पारस आप तो वाकई में बचे हैं, ऐसे दो, एक नहीं दो नहीं तीन बार बोल दिया। उसके बाद वो आए सिद्धार्थ के पास और कहते हैं कि सिद्धार्थ तुमने कहा कि तुमने कर्जा चुकाया है, लेकिन पारस तो कह रहा था रीपे की जरूरत ही नहीं है। फिर सिद्धार्थ ने जो है अपना लॉजिक दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि कल अगर आपने मेरा एनालिसिस पढ़ा होगा और उस एनालिसिस को अगर आपने सुना होगा और आपने अगर आज सिद्धार्थ का एनालिसिस जो उसने सलमान खान के सामने दिया, तो आप मेरा एनालिसिस देखिए, मैंने यही बोला था कि सिद्धार्थ यही सोचकर उन्होंने पारस को इम्यूनिटी दिलाई है। और मैं बहुत ही ज़्यादा ये थी जब सिद्धार्थ ने सेम वही शब्द बोले, यानी कि मैं फिल्म विंडो में मैंने जो है आपको सेम एनालिसिस दिया था कि सिद्धार्थ बोलेंगे वो यह नहीं चाहते कि अगर वो गेम जीते तो कोई भी उनको आकर बोले कि पारस की वजह से मैं यहाँ तक आया था। और यही तर्क उन्होंने सलमान खान के सामने दिया और पूरा जो है एक्सप्लेनेशन दिया कि सर जब मैं अंदर आया हम जो है दोस्त नहीं थे, हमारा 36 का आंकड़ा था, धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग हुई, ऑर्गेनिक था और हम आपस में जो है बॉन्ड होते गए, मैं कैप्टन बना, मैंने नॉमिनेट किया, जब इसके पास आया तो इसने मुझे इम्यूनिटी दिलाई, तो मुझे लग रहा था कि मुझे इसे रीपे करना है, मुझे इसका कर्जा किसी भी तरह चुकाना ही था, क्योंकि जो है मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं जाऊँ और मुझे कोई बोल दे कि मैं निकलूं तो पारस की वजह से तुम्हें मिला था, तो ये उसने बोल दिया। फिर उसने उन्होंने जो है फिर बीच में फिर कॉन्वर्सेशन हुई, डिस्कशन हुई, कहते हाँ सर एक और मुद्दा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं आरती और सना में से किसको डिसाइड करता, मेरे लिए दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल था। तो सना कहती तुम तो हमेशा बोलते हो मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ, तो उस पर जो है सना बहुत चिड़ी और लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वो अलग मुद्दा है। फिलहाल जो है यहाँ पर फिर अगर जब पारस ने देखा कि सिद्धार्थ यहाँ बैठ के बार बार रीपे की बात कर रहा है, दोस्ती यारी की कोई बात नहीं है, सिर्फ बात यह है कि मैं बाहर जाऊँ तो मुझ पर यह ठप्पा ना लग जाए कि मैं पारस की वजह से इस स्टेज पर पहुंचा था, तो पारस को लगा कि ये ठप्पा तो मुझ पर भी लग सकता है और उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया कि सर मुझे कुछ कहना है, सर मुझे कुछ कहना है, सर मुझे कुछ कहना है। तो सलमान खान ने बोला अच्छा बताओ तुम्हें क्या कहना है। फिर पारस को ये बात रियलाइज हो गई जब उस समय रीपे की, कर्जे की, बॉन्डिंग की, मुझे ये बाहर जाके नहीं सुनना था कि पारस ने मुझे बचाया था इसलिए मैं आया, तो पारस को लगा कि अगर इस समय मैं इसके बचाने से यहाँ आया हूँ तो ये ठप्पा तो मुझ पर भी लग सकता है। तो उन्होंने जो है सलमान खान को बोला कि सर मैंने कभी भी कैप्टेंसी के लिए नहीं खेला है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, सुनने में भी बुरी लगेगी, आपको बुरा भी लगे, लेकिन मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। तो वो कहते हैं कि सर मैंने कभी कैप्टेंसी के लिए नहीं खेला, मैं इम्यूनिटी के लिए नहीं खेला, मैंने हमेशा जनता के उस पर खेला है कि जनता अगर मुझे प्यार करती है और मुझे चाहती है बचाना तो ही मैं बचूंगा। तो अगर मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे वोट कम थे इन तीनों में से किसी से भी, तो प्लीज़ मैं आज और अभी ही निकलूंगा, वैसे भी मेरा मन भर चुका है, ये समझ ली कि अब मैंने हार मान ली, लेकिन मुझे निकलना है अगर मेरे वोट जो है इन तीनों में से किसी से भी कम थे। तो वो कहते हैं कि मुझे ऑडियंस का प्यार ही चाहिए, अगर ऑडियंस मुझे प्यार नहीं करती, मुझे रद्द करती है, तो मैं भी निकल जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो है पारस को सिद्धार्थ शुक्ला ने आज वीकेंड का वार में इस बात को रियलाइज़ करा दिया कि भाई जो मैंने किया है मैंने रीपे किया है। मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जब भी पारस के सामने ना सिद्धार्थ ने इस बात का जिक्र किया था तो पारस ने बोला था यार ये रीपे का शब्द बोलकर तू ना इंसल्ट मत कर, दोस्ती थी ये, दोस्ती थी, क्योंकि पारस जो है सिद्धार्थ शुक्ला को इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन्हें पता था ये इम्यूनिटी दिलाने वाली बात वीकेंड का वार में उठेगी और अगर सिद्धार्थ शुक्ला वहाँ पर रीपे की बात करेंगे तो पारस जो है वो स्ट्रांग नहीं दिखेंगे बल्कि वीक साउंड करेंगे। और वो चाहते थे कि सिद्धार्थ को वो उस लेवल तक मना ले कि हाँ भाई ये रीपे नहीं था, ये दोस्ती थी, हम मेरा भी तेरे लिए प्यार था, बॉन्डिंग थी, जो मैं दोस्ती दोस्त तुझे समझने लगा था। पर सिद्धार्थ ने जो है ये बात उसको नहीं बोली और पारस ने एक नहीं दो नहीं कल तीनों इंसिडेंट मैंने आपको बताए थे कि कहाँ 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 उन्होंने जो है ये बात बोली कि दोस्ती के लिए हुआ ये। पर आज सिद्धार्थ जो है अपने शब्दों पर अड़े रहे, उन्होंने बोला मैंने कर्जा चुकाया है, रीपे किया है। और जब पारस को लगा कि अगर आज वीकेंड का वार में भी सलमान खान के सामने सिद्धार्थ शुक्ला ये बात बोल रहे हैं
कि ये दोस्ती नहीं थी, रीपे किया है ताकि मेरा गेम जो है वीक ना लगे अगर मैं आगे जाऊं। तो पारस ये समझ गए कि अगर अब मैं इम्यूनिटी लेकर आगे जाता हूं तो मेरा गेम भी वीक लग सकता है। तो उन्होंने उस बात का उसी समय ऐलान कर दिया कि सर मैं अभी निकलने के लिए तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इस गेम में जो है बहुत ही महान बन रहे हैं, बहुत ही शातिर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन किसका एविक्शन होगा? ट्रॉफी किसी एक को ही मिलेगी। ये तो जो है अब फिनाले से 7 दिन रह गया है। पारस के कहने पर इम्यूनिटी ले नहीं ली जाएगी। सलमान ने बोला भी जब दी तो तुम दे देते माहिरा को, तो कहते हैं वो सिद्धार्थ की डिसरिस्पेक्ट हो जाती। वो सिद्धार्थ की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, वो सोच रहे थे कि कल वीकेंड का वार में अगर ये मुद्दा उठे तो सिद्धार्थ बोल दे कि दोस्ती के लिए किया है, गेम में तो किसी एक को बचाना ही पड़ेगा और मुझे पारस जो है ज़्यादा डिजर्विंग लगता था। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया। और उसके बाद सलमान ने बोला अगर हाँ तुम्हें नहीं माहिरा को देते तो आज माहिरा घर से नहीं निकलती। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने भी पारस को रियलाइज कराया है कि तुम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन ताला खोलकर सिद्धार्थ ने तुम्हें बचाया है। तो आपको क्या लगता है कि पारस ने जो आज जिस तरह का जिक्र किया, जो चीज़ें बोली, वो सिर्फ, मुझे वाकई में लगता है कि मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोली कि उन्हें ये जताना था कि मैं भी वीक नहीं हूँ, मैं भी जनता के प्यार से इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं आगे चला जाता। वो बोले कि इमोशनल हो गया था, रो पड़ा था, मुझे अच्छा लगा कि इसने मेरे लिए इतना किया, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहता हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं ऑडियंस के प्यार से आगे जाऊँ। तो आपको लगता है कि अगर ऑडियंस के प्यार पर पारस का भविष्य होता तो वो आगे जाते? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पारस जो आज बोल रहे थे वो जेन्युइनली फील करते हैं, या जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया खाली सिर्फ और सिर्फ वही उनके दिमाग में था? कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।